तमाशा, इश्क तमाशा। बात सुने, ये एक ब्राउनी कितने की है? मेरे पास 50 रुपए, मैं 10 रुपए दे दूंगी। मीठा पसंद है और मुझे मीठी बातें करने वाले लोग। मेरा क्या है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस नंबर पे कॉल करनी चाहिए? किस खुशी में? उस अजनबी को शुक्रिया अदा करने के लिए? बिल्कुल नहीं, तुम ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करोगे। सुना तुमने? पता तो चले कि उसने क्यों भेजा ये केक। उसने केक भेज दिया, तुमने खा लिया, खत्म बात। लेकिन मेरा ऐसे कैसे बात खत्म होती है? देखो, अगर खत्म होती तो मेरा नंबर क्यों लेके भेजता? अच्छा, तुम्हें कोई भी अपना नंबर देगा तो उसे कॉल करोगी? नहीं, लेकिन मुझे जानना है कि उसने नंबर क्यों भेजा और उसने केक भी क्यों भेजा, इसलिए मैं कॉल करूंगी। क्या मिन मिन लगा रखी है तुम लोगों ने? ये बातें तुम लोगों की सुबानी हो सकती? बाहर चलो। बैठो इनो। वो जो कोई भी है तुम उससे कोई कांटेक्ट नहीं करोगी, समझे तुम? अगर चची जान को पता चल गया ना तो 2 मिनट में सीधा कर देंगी तुम्हें। तो उन्हें बताएगा कौन, तुम या मैं? रुशना, तुम्हें क्या हो गया? तुम जो कुछ भी कर रही हो वो सही नहीं है। गलत भी नहीं है यार, तुम ऐसे ही डर रही हो। ठीक है, जो दिल में करो, लेकिन अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसोगी ना तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, मत करना बस। लेकिन मैं उसे एक बार कॉल जरूर करूंगी, मुझे जानना है आखिर मामला क्या है। ठीक है, जो दिल में करो, मैं सोने जा रही हूँ। 2 मिनट प्लीज, मेरी खातिर। तुम चाहते क्या हो आखिर रुशना? मैं तुम्हारा इन उल्टी सीधी हरकतों में साथ नहीं दूंगी। यार थोड़ी देर जाग जाओ प्लीज। जी नहीं, आई एम सॉरी। रुशना कहाँ है? बाहर है। बाहर क्या कर रही है? अभी तो देखो। क्या हो रहा है तुमसे? मतलब मेरा मतलब था कि अगर वहाज भाई को कॉल कर रही हो तो मेरी भी बात कराना। वहाज भाई तुम्हारी तरह फारिग नहीं है जो हर वक्त फोन पे लगे रहे। तो फिर कौन है इतना फारिग? तुम हो इतनी फारिग जो यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। चलो अंदर जाओ। हाँ कॉल करना ठीक है। हेलो, इस मनोसलवा भेजने का मतलब पूछ सकती हूँ आपसे? मैंने सवाल करने को नहीं, शुक्रिया अदा करने के लिए आपको कहा था। हाय अल्लाह, इस बंदे की आवाज कितनी अच्छी है। आप खामोश क्यों हो गए? मेरा सवाल बुरा लगा क्या? सवाल नहीं, तकाजा। लगता है काफी तेज भागते हैं आप। ये दुनिया आहिस्ता चलने वालों को कुचल देती है, इसलिए मैंने भी अपनी रफ्तार तेज कर ली। खासे बोल्ड हैं आप। लगे हाथ अपनी इस नवाजिश के बारे में भी बता दीजिए। कुछ काम दिल के हाथों मजबूर होके किए जाते हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। क्या मतलब? मतलब ये है कि पहली नजर में आप मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने बगैर सोचे समझे अपने भाई का बर्थडे केक आपके दरवाजे पर रख दिया। मुझे मीठा बहुत पसंद है,
ना मिले तो पागल हो जाती हूँ, इसलिए समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोले जा रही। आप बातें बड़ी दिलचस्प करती हैं। साबित हुआ कि जितनी खूबसूरत आप खुद हैं, उतनी खूबसूरत आपकी सोच भी है। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्या नहीं पूछ सकता? मीना। वालेकुम सलाम। क्या करें आप यहाँ पे? बस खुली फिजा में फिर रही थी, दिल चाह रहा था। जानता हूँ खुली फिजा बहुत पसंद है। तुम्हारे अब्बा को भी ऐसी फिजा पसंद थी, इसलिए तो इतना खूबसूरत लॉन बनवाया उन्होंने। पप्पू मैं वो हर काम कर लेना चाहता हूँ चूँकि बाबा की ख्वाहिश थी या उनसे अधूरा रह गया था। इंशाल्लाह जरूर करोगे। इंशाल्लाह। अच्छा बताएं कि आरम अपनी बाइक से खुश तो है? मेरा बच्चा तो नहीं रहा जो तुम उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने निकल पड़ते हो। पप्पू ये सब कुछ किसका है, उसी का तो है। ठीक है अब कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा बोलना फजूल हुआ ना फिर। पप्पू नहीं नहीं कैसी बातें कर रही है, आपकी बात की मेरे दिल में बहुत अहमियत है। बस आरम के मामले मुझे मत टोका करें, आप जानती तो हैं उसका उतरा हुआ चेहरा मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता। जानती बस रब ने इस बेटे पे यकीन रखे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और शादाब रखे। मेरा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना अमीर बंदा मुझसे टकराएगा। उसने भी नहीं सोचा होगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, अब तुम मुझसे फोन पे बात नहीं करोगी। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम कितनी बड़ी मुश्किल में पड़ सकती हो। तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैंने तो उसे अभी तक अपना सही नाम तक नहीं बताया, मेरे हुस्न से वो तो घायल होके रह गए। पता है बात करते हुए इतनी ठंडी आए बढ़ता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे आते चुप क्यों हो गए? क्योंकि तुम अम्मी की चमची समझी। रोशना क्या हुआ? अम्मी कह रही थी कि आप मुझे स्कूल छोड़ती भी जाइएगा। ठीक है फिर मुझे जरा जल्दी निकलना होगा। सुन लिया? जाओ बाहर जाके इंतजार करो, आप ही आ रही हैं। इंतजार करो, चलो चलो चलो। मैं फिर कहूंगी कि खेल शुरुआत में जितने अच्छे लगते हैं इनका अंजाम उतना ही संगीन होता है। तुम्हें बड़ा तजुर्बा है जैसे। बात तजुर्बे की नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो, ये गलत है। अच्छा ना खुश भी नहीं होने देती हो। अब नहीं कहूंगी कुछ भी। बहुत अच्छी बात है, इस सिलसिले को यहीं रोक दो, इसमें तुम्हारी बल्कि हम सबकी भलाई है। अच्छा दादी अम्मा, सुबह सुबह इतना लेक्चर घुल के पिला दिया। साइंस की टीचर है ना, वो तो कोई पीरियड ही नहीं लेती। ओके मेरा, वो देखो मेरा जा। मेरा यारी तो सुनी ही नहीं, चलो इसके पास चलते। मेरा क्या हुआ? मेरा कब से आवाजें दे रहे हैं तुम्हें? अच्छा तुमने क्लास भी नहीं ली? सर में दर्द था मेरे इसलिए। क्या हुआ मेरा, कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है? मेरी कल फीस जमा नहीं हुई। अरे बाबा तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है, तुम एडमिन ऑफिस जाओ और कह देना किसी इमरजेंसी की वजह से फीस जमा नहीं करवाई और आज जमा करवा देना। परेशानी ही की बात है, ऐसे नहीं मेरे पास अब फीस के। ओहो क्यों? वो
कल कॉलेज आते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था मेरा। मुझे लग रहा है कि मेरा वाउचर वहीं गिर गया। ओहो, ये तो वाकई परेशानी वाली बात। आप में से मिरहा कौन है? जी आपको ऑफिस में बुलाया है। आ रहे ये मेरे बेटा आपके फीस जमा हो गई है, ये रसीद। थैंक यू। हो सकता है किसी को तुम्हारा वाउचर मिला और इसे तुम्हारी फीस जमा करवा दियो। पागल हो क्या? आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है? अब हो सकता है तुम किसी को अच्छी लग गई हो। चुप करो। राइट। मिस मीना आप है? जी। ये फूल भिजवाए कहाँ रखे? यहाँ रखते। अरे वाह, इतने सारे फूल किसने भेजे? अरहम साहब ने भेजे। ये अरहम कौन है? तुम तो दो मिनट के लिए अपना मुंह बंद ही रखो। मैडम कुछ कहना है, मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ और शुक्रिया अदा कर देना मेरा। कौन है लड़कियों? रुशना, ये सब किसने भेजा है? अम्मी ये मेरे हाथ के लिए आए, पूछ ले इससे। कब से चल रहा है ये सिलसिला? बंद करो दरवाजा। तुम्हें पाल पोस कर इसी दिन के लिए जवान किया था कि हमारे सरों पर खाक डाल दो। तुम बोलो, बताओ किसने भेजे ये? कौन था वो? चाची जान, मैं नहीं जानती। नहीं जानती? हाँ, लेकिन अपने आशिक को हमारे घर का पता देते हुए अक्कल तेरी घास चलने गई थी। अरे बस भी कर अकेला, अरे बस कर, कितना बोलेगी, बोले चली जा रही है। तो क्या करूँ सब फूलों के हार पहनाओ मैं? कम वक्त पता नहीं किसके साथ मुंह काला करती फिर रही है। मुझे तो लगता है किसी दिन ये कॉलेज से वापस ही नहीं आएगी घर। अम्मी भूल ही तो है, कौन सा किसी ने बम भेज दिया है? मैंने दुनिया देखी है, अच्छी तरह से जानती हूँ कि लड़के लड़कियों को ये फूल किस चक्कर में भेजते। अरे गेट की तरफ तो रुशना भागी भागी गई थी। खाला माँ आप तो चुप ही रहे, चलो परवेशा अम्मी के लिए पानी लेकर आओ। नहीं भाई, ये मुझे पानी जहर ला कर देगा मुझे। कितनी बार कहा था इसी बात से डरती थी मैं इसी दिन से कि पुरानी लड़की की जिम्मेदारी एक बेवा पर मत जाना, लेकिन मैंने किसी ने नहीं सुनी। अब कल कला को ये किसी के साथ भाग गई तो किस किस को जवाब देती फिरूंगी मैं? अम्मी मैं तुम, और तुम कान खोल कर सुन लो, अपना इंतजाम कहीं और कर लो। तुम जो कुछ यहाँ करना चाहते हो ना, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये यहाँ नहीं रहेगी। अगर ये इस घर से ना निकली तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, सुन ले। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कमांडर, करमदाद वो गिफ्ट पहुंचा दिया था? जी साहब। अच्छा सुनो। जी कौन कौन था वहां पे? मीना बीबी और दो तीन लड़कियां और थी। मीना ने कुछ कहा? बस यही कहा कि आपका शुक्रिया अदा कर दूं। ठीक है तुम जाओ। सुनो जी, चाय शाय पी लेना। थैंक यू सर।
यार ये मीना फोन क्यों नहीं उठा रही? कहाँ बिजी हो यार? कहाँ बिजी हो मीना? फोन क्यों नहीं उठा रही यार? अरे मीना फोन उठा लो, क्या कर रही है? कहाँ बिजी हो सकती है? मिर्हा, 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 तुम प्लीज मुझे मार डालो, मुझ पे गुस्सा हो जाओ, लेकिन मुझसे नाराज नहीं हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी रोशना, प्लीज। मिर्हा, मिर्हा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं बुखला गई थी। और जलील होने के लिए तुमने मुझे पेश कर दिया। रोशना तुमने बहुत गलत हरकत की है, और वैसे वो था कौन जिसने तुम्हें ये सब भेजा? बस एक शरारत की थी, पीछे ही पड़ गया है। ऐसे कैसे पीछे पड़ गया? हद करती हो रुशना। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, और मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो। मेरी जिंदगी पहले ही आसान नहीं थी रुशना, अब क्या करूं मैं? मैं चाची जान को कैसे यकीन दिलाऊं अपनी सच्चाई का? वो पहले ही मुझे इस घर से निकालना चाहती थी। मैं बहाज भाई से बात करती हूँ, ऐसे कैसे निकाल देंगी इस घर से? ठीक है, बहाज को सब कुछ बता दो और उसकी नजरों में भी मुझे गिरा दो। तो फिर और क्या करूं मेरा? तुम मुझे मार डालो, मुझे सजा दे दो। लेकिन मैं एक काम करो, चाची जान को सब कुछ सच सच बताओ, नहीं होंगी मैं तुमसे नाराज। ठीक कह रही है मेरा आपी, मैं अभी उस्मा को बुलाती हूँ, वो खुद ही सब बता देगी। खबरदार, जो किसी ने अम्मी की चमची को कुछ भी बताया तो एक ही चार लगा के बताएगी। मेरी बुराइयां हो रही थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं मेरी जान, हम लोग तो बातें कर रहे थे, यूं ही। तुमने कुछ सुना तो नहीं? मर गए, इसने जरूर कुछ सुन लिया होगा, हर वक्त इसके कान यही रहते हैं। अम्मी पता है वो फूल रुशना बाजी को किसी ने भेजे थे? दिमाग खराब है तेरा, कहां से सुनकर आ रही है? जरूर मिर्हा ने कान भरे होंगे। नहीं अम्मी, मिर्हा अभी तो जानती तक नहीं कि वो चॉकलेट्स और फूल किसने भेजे। इधर बैठ चुटकी, बिला वजह मिर्हा की वकालत करने मत खड़ी हो जाएगा, तूने खुद देखा था। नहीं मैं तो वैसे ही कह रही थी। खाम खा उसकी हिमायत ना करना, समझी? तौबा, कब से सुसवा के जाने का इंतजार कर रही थी, मनहूस मारी जा ही नहीं रही थी। हाय मुझे भी दो ना। अरे पीछे हटो अम्मी। ये ले ये ले ये ले, पकड़ मनहूस मारी। ऐसे यार इतने मजे की लगी, ये वहीं से आई है ना जो फूल लाया था। भाई रुशना तो कोई सस्ता गिफ्ट लेती भी नहीं है, समझी? और नाम तुमने मिर्हा अपी का लगा दिया। माफी मांग तो ली है। मिर्हा, मिर्हा थोड़ी सी खा लो, देखो तुमने खाना भी नहीं खाया। मुझे नहीं खानी, तुम लोग खाओ। मिर्हा देखो तुम्हारे बगैर मैं नहीं खाऊंगी, तुम्हें खानी पड़ी। प्लीज। तुम लोगों का भाई वहां कमा कमा कर मरा जा रहा है और तुम लोगों को यहाँ अयाशियां सूझ रही हैं। वो कोई अकेले नहीं है, दुनिया में हजारों बेटे बाहर के मुल्क कमाने जाते हैं, कोई कमाल नहीं किया उन्होंने। मैं सब समझती हूँ, किसकी जबान बोल रही हो तुम? अम्मी मैं किसी की जबान नहीं बोल रही, मेरी खुद की जबान भी है। नहीं यकीन आता तो देख ले, ये देखें। पता नहीं आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं किसी और की जबान बोल रही हूँ, और वैसे भी आप बेफिक्र हैं, आपकी बेटी हूँ, किसी और की जबान से गुजारा नहीं होने वाला मेरा। सब किया धरा तुम्हारा है, रुशना को जुबान चलाना सिखाकर खुद मासूम बनी तमाशा देख रही हो। हमें बस भी कर दे यार, आपसे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। इस सब इस चुटकी ने किया होगा, इसी ने चुगली लगाई होगी। खबरदार इसे कुछ कहा तो। तमीज।
महसूस की कि हर वक्त चुगलियां करती रहती है। मेरहा मेरहा मेरी बच्ची, अरे अब बस भी करो ना, अरे कितनी देर से रोए चली जा रही हो। तो और मैं क्या करूंगा अम्मा, चाची ना मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे वो तो पागल है, जब गुस्से में आती है ना तो अपने होश गंवा बैठती है। मैं उसे समझाऊंगी, तुम मत रो, चुप हो जाओ। मैं ऐसा कुछ करने को सोच भी नहीं सकती जिससे मेरे खानदान पे खर्फ आए। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ, आज तो दिल छोटा ना कर। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने सुबह से कुछ खाया भी है? नहीं। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ खाने के लिए? आप कहीं भी मत जाए, इधर मेरे पास ही रहे। अच्छा तुम मेरे पास लेटी रहो और आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी, सो जाओ। शाबाश मेरा बच्चा। फिदा, ये कहाँ ले जा रहे हो? मेरा सब काफी है। अच्छा मुझे तो मैं ले जाता हूँ। बाजी जाओ, तुम अपना काम करो। पप्पू आइए आइए, अभी तक जाग रहे हैं आप क्या? नींद नहीं आ रही थी। और तुम क्यों जाग रहे हो? मैं बस एक ईमेल का वेट कर रहा हूँ। ये लो मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई। पप्पू आपने पिला? अरे नहीं नहीं, बहुत गर्म है, मैं वहां रख देती हूँ। मैंने फिदा को कहा था लाने को, आप बिला वजह ले आए। बेटा तुम्हारा काम करते हुए कभी भी तकलीफ नहीं महसूस हुई, हमेशा खुशी ही होती है। और फिर मैंने सोचा तुमसे बात भी कर लूं। चलो अच्छा किया, आए बैठे जी। अब बताएं। वो दरअसल डिग्री कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल है ना, उन्होंने कॉल किया था। उनके कॉलेज में कोई चैरिटी इवेंट है, वो चाह रही थी कि तुम बतौर चीफ गेस्ट के ना शिरकत करो। वेरी स्वीट ऑफ देम, लेकिन पप्पो आजकल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मेरे पास, मैं नहीं जा पाऊंगा। अच्छा नहीं लगता बेटा, उन्होंने बार बार कहा है। पप्पो आप जाए ना, मुझे तो इन्विटेशन आते रहते ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के, आप चली जाए प्लीज। इस मामले में ना तुम बिल्कुल बड़े भाई साहब की तरह, वो भी इसी तरह मेरी बात टाल दिया करते थे। अच्छा तो आपकी बात नहीं भी माना करते थे क्या? लेकिन जब जोर देती थी ना तो मान भी लेते थे। परेशान मत हो, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? वादा? प्रॉमिस। जीते रहो। चले अब आप आराम करें, थक गए होंगे आप। अल्लाह हाफिज। आज तो आपने अम्मी से डांट पड़वा दी। क्या जरूरत थी इतने फूल भिजवाने की? फूल देख के तो आपकी अम्मी का मूड अच्छा हो जाना चाहिए था। हैरत है कि आपको डांट पड़ गई। अम्मी का मूड तो ईद वाले दिन भी अच्छा नहीं होता, फूल देखकर खाक होना था। खैर मैंने किसी ना किसी तरह बात संभाल ली। जादूगरनी तो हैं आप, अच्छे खासे इंसान को अपने हुस्न के जादू से पागल कर देती हैं। अच्छा और किसको अपने हुस्न के जादू से पागल किया है मैंने? अरहम सईद खान। और कौन? अरहम सईद खान? इतनी जल्दी पागल हो गया? अभी तक तो मैंने उसे देखा भी नहीं। हाय देखिएगा भी मत, वरना मैं तो जल के मर जाऊंगा। अरे इतनी जालिम भी नहीं हूँ मैं। ये तो मुझसे पूछें कितनी जालिम है आप। अच्छा बताइए क्या जुल्म किया है मैंने आप पर? बहुत जुल्म किए हैं आपने, इतने जुल्म किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। चल के था गुजारी आई रात वे, चल के था गुजारी आई रात वे, मेरा जी दलीला।
चन की था गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला देवात वे ओ चन की था गुजारी आई रात तुम उसी से बातें कर रही थी। किससे? वही जिसने फूल भेजे थे। क्यों झूठ बोल रही हो? देखो झुटलाना मत, क्योंकि तुम्हारी आवाजें यहां तक आ रही थी। अब वो अम्मा ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे हम, मेरे पेपर्स हो रहे हैं ना इसलिए। क्यों झूठ बोल रही हो? जानती हूं मैं तुम्हारे पेपर्स खत्म हो चुके हैं। हाँ वो भूल गई थी। सच सच बताओ मेरा, ये पढ़ाई की आड़ में इश्क मुआशके के चक्कर कब से चल रहे हैं? नहीं चाची जान, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती हैं मुझे डिग्री लेनी है, जॉब करनी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। अब बिल्कुल ठीक कह रही है, इसका ये इरादा है। अच्छा भाई पढ़ाई कब खत्म हो रही है तुम्हारी? फीसें दे देकर मैं तो कंगाल हो गई। कुछ दिन रह गए, एक दो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने, फिर छुट्टियां हो जाएंगी। घर का सौदा सारा खत्म हुआ पड़ा है। पकड़ो ही, बहाज ने पैसे भेजे वो निकलवाने, और ये लिस्ट है सौदा लेकर आना। दो। और सुनो वापसी पर सीधी घर आना, काम के बहाने घूमती मत फिरना, वैसे ही डर लगा रहता है मुझे। मेरे लिए भी नाश्ता बनाओ, कोई हुआ का जवाब नहीं है तुम्हारे पास? दिमाग खराब करके रख दिया। अच्छा चलो अब मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ से बैंक जाना है और वहाज ने पैसे भेजे वो निकलवाने और बिल भी पे करना है। ये वहाज भाई आग कब रहे हैं, अब तो तुम्हारे फाइनल भी खत्म होने वाले हैं। पता नहीं। ये कैसा जवाब हुआ, सच सच बताओ ना कब आ रहे हैं? तुम दोनों से झूठ बोलूंगी क्या? मुझे नहीं पता कब आ रहे हैं। मेहराब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एमडी ने भी बुलाया है, अभी अभी वाइस प्रिंसिपल ने हम लोगों के लिए मैसेज भेजा है, उनकी वहाँ बात हो गई है। ओहो, मैं तो ये असाइनमेंट नहीं ले सकती, मुझे तो बहुत डांट पड़ेगी और घर जाते वक्त बहुत लेट हो जाएगा। क्लास लेते ही निकल जाएंगे ना, इंशाल्लाह हम फंड रेजिंग में जल्दी कामयाब हो जाएंगे। एमडी साहब मान तो जाएंगे ना चीफ गेस्ट बनने के लिए? क्यों नहीं मानेंगे, जरूर आएंगे वो। तुम भी ना बहुत टेंशन लेती हो। अकीला जी, ये लड़कियां इतनी देर तक सो रही हैं, हैं? पता नहीं भाई, इनकी तो नींद ही पूरी नहीं होती। ओहो रुशना की तो मैंने सुबह आवाज सुनी थी, शायद फजर के लिए उठी थी। शायद इसीलिए दोबारा सो रही है अब तक। अकीला एक बात कहूं मैं तुम्हें, भाई ये तुम्हारी जो लड़कियां हैं ना, हर वक्त कान में टेलीफोन लगाए सारी सारी रात न जाने किससे बातें करती रहती हैं। हाय क्या बताऊं खाला अम्मा, ये जो मेरा है ना, ये मेरी रुशना को बर्बाद करके रहेगी। पता नहीं आपस में क्या खुसर खुसर करती रहती हैं, क्या राजो न्याज की बातें चलती रहती हैं दोनों के बीच। हाँ अपनी दही को खट्टा कैसे कहोगी, जानती हूँ तुम तो उसी के पीछे पड़ी रहोगी। अच्छा मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय पियोगी? नहीं मैं पी चुकी, आप अपने लिए बना लो। अच्छा ठीक है। पचास हजार एक सौ निन्यानवे रुपए।
बाकी 9,806 रुपए का सामान इतना महंगा? अच्छा अच्छा, ये बिल भी तो है। ठीक है, इतने ही पैसे भेजे थे ना बहाज ने? जी चाची जान। घपला तो नहीं कर रही? मैं फोन करके पूछूंगी जरूर। आप पूछ लीजिएगा, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। अच्छा सुनो, मटर आलू का सालन पड़ा है फ्रिज में, वही गरम करके खा लेना। कीमा मैंने कुलसुम के लिए बनाया, वो शाम को आने का कह रही थी। जी। और हाँ, खाना खाते चारों खाने चित पर ना जाना, मीठा बनाना कोई। ठीक है। लेके जाओ सामान, ले जाके सारे डिब्बों में डालो चीजें, फ्रिज की चीजें फ्रिज में रखो। जी। करो सही। ये क्या है? दुपट्टा। अरे छोड़ो इसे, ये क्या खा रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? भूख लग रही है, खाना गर्म करने दो। अरे इसे छोड़। ये देखो टाडा, पिज्जा और आइसक्रीम, तुम्हें बहुत पसंद है ना? कृष्णा तुमने फिर चाचा जान के पैसे चोरी कर लिए। तुम्हें मैं चोर लगती हूँ? हाँ। क्या नेहा, तुम्हें अच्छी चीजें हजम नहीं होती क्या? नहीं होती। अब बताओ कहाँ से आए पैसे? गरीब लड़की, आलू मटर खा खा के तुम्हारी सोच भी आलू मटर जैसी होगी। भला मुझे पैसों की क्या फिक्र? तो फिर ये अलार्म में भिजवा है। तुम्हें धड़वन बिना बाहर जाने और छुपा के लेके जाने, बाहर ही बैठी। चलो चलो चलो, अगर पता चल गया ना किसी को तो दोनों पिटेंगे। कृष्णा ये ऐसे क्यों चल रही हो? तुमसे मतलब, अपना काम करो। तुम्हें डर भी नहीं लगता क्या? अरे इस डर में तो अपना ही मजा है। सोचो। अब वैसे भी मैंने कौन सा उसको कहा था, उसने खुद भेजा है। चची जान को पता चल गया तो उस वक्त पलवशा क्या कहेंगी? रुशना उस वक्त पढ़ने गई है, खाला अम्मा सो रही हैं और अम्मी की तो तुम फिक्र ही ना करो। अगर उन्हें पता चल भी जाए तो कह देना मेरा ने मंगवाया है, तुम्हें क्या टेंशन है? अब बस करो मेरा, ये ताने देना बंद करो, तुम बस पिज्जा खाओ। सोचो जिसका दिल इतना प्यारा है वो खुद कितना प्यारा होगा, किसी फिल्म के हीरो जैसा। मैं तो उसे देखे बगैर उस पर फिदा हो गई हूँ। तुमने उसका दिल देखा ही कहा है? तुम तो उसकी जेब पे फिदा हो गई हो। हाँ तो खाली पेट मोहब्बत थोड़ी ना होती है। अच्छा तुम जानती हो कसूर किसका है? रोमांटिक मूवीज और नॉवेल्स का। अपने आप को हीरोइन समझ के बैठी हुई हो। हाँ तो मैं किसी हीरोइन से कम हूँ? तुम सोचो मेरी जिंदगी भी तो बिल्कुल फिल्मी है। उसने मुझे देखा, मुझ पे मर मिटा। तुम्हें नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में कोई मौजजा होने वाला है? मुझे क्या पता कि आपकी जिंदगी में कौन सा मौजजा होने वाला है। ओफ हो मेरा, तुम जैसी नॉन रोमांटिक लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अच्छा हुआ तुम देखोगी भी नहीं। हाँ तुम जैसा रूखा पीका मॉडल ऊपर वाले ने एक ही बना के भेजा है। तुम क्या जानो मोहब्बत का नशा क्या होता है। अच्छा बस करो, अब चलो पिज्जा खाते ना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो मत करो मुझसे बात। वाह थैंक यू अरम, तुम कितने अच्छे हो। कैसा है? बहुत अच्छा। जी साहब। एक कप कॉफी भिजवा देना। तुम 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 नंबर वन बाय सदस। हेलो भाई। हेलो भाभी, आज जल्दी घर आ गए, क्या बात है? आज दोस्तों के घर नहीं गया था इसलिए घर वापसी।
यानी कि तुम्हारी एक्टिविटीज अभी तक चल रही हैं, छोड़ने का प्लान नहीं है क्या? भाई कम कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ भी दूंगा। कम कर दिए लेकिन किसके कहने पे? क्योंकि मैं और पप्पू तो तुम्हें समझाते समझाते थक चुके हैं। भाई ऐसा हो सकता है कि मैं किसी के कहने पे अपने एडवेंचर्स छोड़ दूं? आई एम जस्ट जोकिंग भाई, आप ही मेरा सब कुछ हैं। चलो मान लेते हैं। यस भाई, आप भी फ्री हैं, मैं भी फ्री हूं। व्हाट्स इट, डिनर? श्योर, या आई सी यू देन। तमाशा, इश्क तमाशा।